तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी बुक का। पिछला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक किए थे, चलिए 16 से शुरू करता हूँ। क्वेश्चन 16, 4x plus 1 by root over 2x square plus x minus 3। नया बात यहाँ ध्यान देने वाला ये है कि पिछले क्वेश्चन सब में इस तरह का बात था, रूट ओवर हो या रूट ओवर ना हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर को a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सप्रेस करते थे, फिर फॉर्मूला में अप्लाई करते थे। नया बात ये आया, डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऊपर में भी कुछ है। अच्छा, ऊपर में क्या है ये चेक कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, x का 1, ये बस बेसिक रूल में आ गया। कहने का मतलब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t पकड़े, या रूट में है तो t स्क्वायर हमने पकड़ा। 2x स्क्वायर का ये 4x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt, यानी सीधे ये आपका t ऊपर में 2t dt, tt कैंसिल 2 इंटीग्रेशन ऑफ t 2t प्लस सी, 2t का वैल्यू रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। ये जस्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन था एक्सरसाइज में इस तरह का, जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और न्यूमेरेटर में पॉलीनोमियल लीनियर इक्वेशन या कुछ भी हो ऐसा टाइप का होगा। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, ये पहला क्वेश्चन इजी था इजीली सब्स्टिट्यूट करके, लेकिन अब शुरू होगा हम लोग का। यहाँ अगर 4x plus 2 1 नहीं है तो चलिए शुरू करता हूँ। ये तो इजीली हो गया क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में बताने की कोशिश करता हूँ, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज में जो टाइप सब है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 17 नंबर क्वेश्चन किस टाइप का है देखते हैं। x plus 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इजीली आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर इसमें नहीं है। अगर सिर्फ x होता तो ठीक था, तो चलिए डिवाइड कर दे, डिवाइड नहीं पार्ट कर देते हैं, x बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस ये 2 बाय 1 बाय रूट ओवर 2, मैंने 2 बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये वाला अभी जस्ट जो क्वेश्चन क्या वो टाइप है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2x dx इक्वल टू 2t dt, तो x dx आ जाता है हमारा t dt। ये क्वेश्चन बनता है इंटीग्रेशन x dx मतलब t dt, डिनोमिनेटर में t स्क्वायर पकड़े थे रूट के अंदर, तो अल्टीमेट t रहा माइनस 2, ये रहा आपका 1 बाय जस्ट जो फॉर्मूला सब अप्लाई किए थे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये वाला टी टी कैंसिल, लिख ही देता हूं, लिख देता हूं टी माइनस 2, ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला रूट ओवर डी एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला टी माइनस लॉग एक्स यानी एक्स प्लस रूट ओवर जो है वही एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या था, ऊपर वाला एक्यूरेट नहीं मिलता है, नीचे का डिफरेंशिएशन एक्यूरेट नहीं है, तो उसको आप एडजस्ट करके बनाए, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट एक साइड रखे, बिना डिफरेंशिएशन वाला रिमेनिंग पार्ट को एक साइड रखे। चलिए इसी को कंटिन्यू करता हूँ, सेम टेक्निक है, ये टेक्निक को ध्यान दीजिएगा। अभी टारगेट इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही है कि कहाँ फॉर्मूला यूज करूँ, किस टुकड़े में फॉर्मूला यूज करूँ, किस टुकड़े में सब्स्टिट्यूशन यूज करूँ। चलिए उस 18 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ज्यादा पावर वाला पहले लिख लेता हूं, इसका डिफरेंशिएशन 6x है, इसका डिफरेंशिएशन आपका आता है 6x प्लस 2, हमें 6x प्लस 2 ऊपर में बनाना है, जबकि यहाँ 5x है, ये रूल फॉलो करिएगा, न्यूमेरेटर में होना चाहिए 6x प्लस 2 है 5x, इस केस में 5 कॉमन दे दे x माइनस 2 बाई 5, पहले तो x को फ्री कर ले, हमें बनाना है 6x प्लस 2, यहाँ टारगेट लिख के रखता हूँ 6x प्लस 2 लाना है ऊपर में, 5 था x का कोफिशियंट 5 था, 5 कॉमन दिया, 5 बाहर निकाल दो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 5 बाहर निकाल दिया, x बचता है चाहिए 6x, तो अब पूरा में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x
माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 by 5, 6 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 6 दो, ये 5 by 6 रहने दीजिए बाहर वाला पार्ट, 3x² + 2x + 1 न्यूमरेटर में, तो ये 6x + 2 लीजिए, 6x + 2 माइनस 12 by 5 माइनस 2, प्लस 2 हमने एक्स्ट्रा दिया, माइनस 2 भी दे दिए। चलिए ये 5 by 6 न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल चुका है, 6x + 2 डिवाइडेड बाय ये 3x² + 2x + 1 माइनस 5 by 6 इंटू माइनस, ये दोनों माइनस और एलसीएम ले लेता हूँ, 5 × 2 = 10, यहाँ 22, 22 by 5 डिवाइडेड बाय डी एक्स डिवाइडेड नहीं 3x² + 2x + 1। ये वाला पार्ट आपने एडजस्ट किया कि ये डी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, 3x² का डिफरेंस 6x, 2x का 2, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, मतलब ये हुआ dt, ये रहा dt/t यानी log t, सीधा लिख दे, हमेशा सब्स्टिट्यूशन शो करना जरूरी नहीं, सब्स्टिट्यूशन आपको सीखना है, यहाँ एप्लीकेशन हो रहा, अगर t लिख के करेंगे तो ऑल दैट, मैं बिना लिख के कर रहा हूँ समझाने के लिए, इसको हमने t माना, ऊपर में dt आ जाता है, तो log t, log t का वैल्यू 3x² + 2x + 1 माइनस ये 5 5 कैंसिल, बचा आपका 11/3, यहाँ dx, यहाँ फिर अब आया फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, जो कि पहला पार्ट में जैसा का पहला पार्ट था, डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर में लाए, होल स्क्वायर लाने के लिए हमें a² नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा √3 का हटाइए, 3 को ही कॉमन दे दो, x² + 2/3x + 1/3 5/6 ये वाला पार्ट हो चुका है, लिख लेते हैं 3x² + 2x + 1 माइनस ये 11/9, ये 3 × 3 = 9 डी एक्स बाय, अब बनाता हूँ a² + 2 × a × b, क्या दू, 2 था दे दिया है, x था दे दिया है, रिमेनिंग 1/3 है, तो 1/3 ये रहा a² + 2ab + b² लिखता हूँ, ये b² + ओरिजिनली 1/3 था, माइनस 1/3 दे देता हूँ, 5/6 log 3x² + 2x + 1 ये पार्ट हो चुका है, माइनस 11/9 ये डी एक्स बाय इतना सारा पार्ट, x + 1/3 का होल स्क्वायर, अब इसे कैलकुलेशन कर लो, 1/3 - 1/9 एलसीएम आपका 9, 3 - 1 2/9 + 2/9 मतलब √2/3 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेशन किया, 1/3 - 1/9 एलसीएम 9, 3 × 3 = 9 यहाँ पे माइनस 1, 2/9 यहाँ 2/9 हमारा चाहिए, तो √2/3 का होल स्क्वायर हमने लिखा, ये पार्ट हो चुका है, ये एक्सप्रेशन a + b का होल स्क्वायर में आ गया, फॉर्मूला फॉर्म में आ चुका है, बस अब लिखता हूँ, ये कौन सा फॉर्मूला, dx/ बीच में प्लस, रूट नहीं है, ये वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट, x² + a² 1/a tan inverse x/a, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये हो चुका है, लिख देते हैं 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस 11/9 इंटू 1/a, 1/a का मतलब √2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू 1, ये x + 1, ये x का वैल्यू बाई ए √2, ये 1/3 है, √2/3 प्लस c कांस्टेंट है, √2/3 √2/3, बस इसको अब सिंपलीफाई कर देना है, बस एक लाइन और, 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस ये रहा 11/9 इंटू ये 3 ऊपर जाएगा 3/√2 tan इनवर्स, ये एलसीएम लेने से ये x + 1/3 था, 3x + 1/3 और ये 3 कैंसिल, √2 + c और एक लाइन बचता है यहाँ, 5/6 log 3x² + 2x + 1 माइनस ये कैंसिल 3, कहने का मतलब 11/3√2 tan इनवर्स
3x plus 1 by root 2 plus c. ये कुछ लंबा लंबा सम सब है, ज्यादा लंबा नहीं, बस दो टुकड़ा करना है। ये प्रोसेस जरूर सीख ले, मैं और भी क्वेश्चन दिखाता हूँ जिससे ये प्रोसेस क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये नंबर कितना था, नंबर 18 किया हमने, 19 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, बस एक ही टेक्निक का सब क्वेश्चन सब है, 6x plus 7 divided by root over x minus 5, ये x minus 4 dx। पहले अगर यहाँ 6x plus 7 नहीं रहता तो हम x minus 5 को t square पकड़ते या x minus 4 को t square पकड़ लेते और फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाता, लिख देते। लेकिन अब 6x plus 7 है, इसको एडजस्ट करना, इसको एडजस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना है वो जानना है। वो जानने के लिए पहले क्लियर कर लूं इसको, x स्क्वायर x इंटू माइनस 4x माइनस 5x plus 20 ऊपर लिख के रख देता हूँ, 6x plus 7 dx होता कितना है देखो, 6x plus 7 डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर माइनस 9x plus 20, इसका डिफरेंशिएशन 2x minus 9, 2x minus 9 चाहिए, जबकि 6x plus 7 है, dx लिख देता हूँ। पहले एडजस्टमेंट करने के लिए 2x, स्टार्टिंग 2x चाहिए, 9 वाला बाद में सोचिएगा, स्टार्टिंग 2x चाहिए, तो पहले 3 कॉमन दे दें, 3 कॉमन दे दिया जिससे कि हमारा 2x बन जाए। लेकिन 3 कॉमन देने से 3 तो यहाँ से निकला निकला, 7 से भी तो निकलेगा, ये 7/3, 3 कॉमन दिया हमने 2x बनाने के लिए, प्लस 9 माइनस 9 एडजस्ट होते रहेगा, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। बनाता हूं, 3 बाहर कर देता हूं, कांस्टेंट है, यहां रहा 2x प्लस 7/3। ये स्टेप में ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 7/3 डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का 2x है, माइनस 9x का माइनस 9 नहीं है, तो यहाँ एडजस्ट कीजिए, माइनस 9 डाल दीजिए, प्लस 9 भी डाल दीजिए, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, प्लस यहाँ था कितना 7/2, 7/2 तो 7/3 dx। ये वाला पार्ट हमारा डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट को फॉर्मूला में ले आएंगे। तो ये लीजिए 3, ये 2x minus 9 divided by x square minus 9x plus 20, ये रहा एक पार्ट dx, plus 3 into, इसका LCM ले लेता हूँ, 9 3 27 plus 7, 34, 34/3 integration, ये वाला पार्ट, 34/27%, 34/3 और ये 3, 34/3 into 3, यहाँ रहा dx by root over x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से कर देता हूँ, पुट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का इक्वल टू t स्क्वायर, तो हो जाता है 2x माइनस 9 dx इक्वल टू 2t dt, ये 2 वगैरह काटने का जरूरत नहीं, ये 3 रहा 2t dt ऊपर है, 2t dt डिनोमिनेटर, इसको t स्क्वायर पकड़ा था तो अल्टीमेट t, माइनस ये 3 कैंसिल, माइनस नहीं प्लस, 34 dx by root over, ये हमने प्रोडक्ट किया था न्यूमिरेटर को एडजस्टमेंट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली था क्या डिनोमिनेटर में, x square minus 9x plus 20, इसको कम्प्लीटिंग होल स्क्वायर में जाने से बनेगा, लेकिन यहाँ तो हिंट क्वेश्चन खुद ही हिंट दिया हुआ, करने को तो क्वेश्चन में दिया x minus 5 x minus 4, ये x minus 5 x minus 4 के तौर पे यहाँ तक लाए थे, इसको प्रोसीड करने से थोड़ा लंबा पड़ता है, इस प्रोसेस में प्रोसीड करने से इजी पड़ता है, ये एक्सरसाइज के पिछले सम्स में हमने किया था। तो चलिए ये तो कैंसिल गया, 6t प्लस 34 dx बाई रूट ओवर x माइनस 5 x माइनस 4, इसको मैंने अभी तक यही रखा हूं, पहले t का वैल्यू बैठा लू, t का वैल्यू किसको लिखा था हमने, t का रूट ओवर इसको लिखा था, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को, चलिए 6 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये रहा फर्स्ट पार्ट हमारा, बचा हुआ है 34 यहाँ dx by root over, इसको अब शुरू करूंगा, x minus 5 ये x minus 4 dx,
इस पार्ट को प्रोसीड करने के लिए यहां लिखता हूं पुट x माइनस फाइव इक्वल टू t स्क्वायर। अगर बार बार आप बोलेंगे जो पहला पार्ट में भी t लिया फिर आपने t लिया, ठीक है भाई आप y ले लो z ले लो कुछ भी ले लो, मकसद है बस समझाना, सब जो t ले u ले v ले जिसका जो मर्जी ले, ये मतलब का बात नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं, बस x माइनस फाइव को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी स्क्वायर लिखा था, लिखा ठीक है डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। चलिए ये वाला पार्ट हो चुका है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी फोर, ये रहा डी एक्स का वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू टू टी डी टी डिवाइडेड बाय इसको हमने टी स्क्वायर पढ़ा था टी स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस फाइव, यहाँ से एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस फाइव, टी स्क्वायर प्लस फाइव माइनस फोर, ये सिक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस 34 68 68, यहाँ टी डी टी डिवाइडेड बाई ए टी बाहर रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन, सिक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस ये टी टी कैंसल 68 डिवाइडेड बाई डी टी बाई रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ अगर सब आप फटाफट यहाँ से, ये रहा सिक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस 68, ये डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग टी प्लस रूट ओवर जो है वही लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस वन, यानी सिक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस 68, ये लॉग टी का वैल्यू आप लिखते हैं टी का वैल्यू कितना था ये कंप्लीट कर दे, वो तो सावधान हो जाएगा, अगला वीडियो में अगला शाम दिखा दूंगा, थैंक यू।